What's up people, this is Surjan here and once again welcome back to my YouTube channel Desi Vlogger. तो कैसे हो गाइस आप लोग, होप कि आप सब अच्छे हो एंड अच्छे ही रहना. ऑलराइट गाइस, टाइम अपडेट, इट्स 6 इन द मॉर्निंग एंड प्लान तो था हमारा यहाँ से कितना 5:30 बजे को निकलने का. ओके वाओ, प्लान तो था गाइस यहाँ से मतलब 5:30 बजे को निकलने का नहीं, मतलब इन द सेंस 5:30 बजे को यहाँ से यक्षम टूर कराना. सूर्यादा मतलब ऑलरेडी रेडी हो चुके, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था मगर मैं काफ़ी डीप स्लीप में चला गया था. ओ क्या ये देखो डर लग रहा है मुझे, कहीं ये मार ना दे मुझे बोल के. तो चलो अभी यक्षम वॉक अराउंड करते मैं आपको दिखा दे यहाँ का क्या क्या है सिनारियो देखने को. हालांकि मेरे पास उतना वक्त नहीं है क्योंकि आज ही मुझे यहाँ से फिर गैंगटॉक होना है या मुझे पहुँचना है वेस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट. कुछ आज का अच्छा खासा लंबा स्ट्रेच मारेंगे हम. राइट नाउ आई एम इन यक्षम, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ सिक्किम. एंड ये देखो गाइस माउंटेन रेंज यहाँ का कुछ अलग ही किस्म का देखने को मिल रहा है. कार्थोक लेक इको पार्क, तो कार्थोक लेक का आप हल्के साथ झलक दिखाएंगे. एंड मीट मिस्टर सूर्यदा. हेलो गुड मॉर्निंग. तो अब यहाँ कार्थोक लेक हम विजिट करने एंड देन इसके बाद हेलीबेट कॉलोनी देन नॉर्बुर्गन. कार्थोक लेक हालांकि मतलब रोड से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, जस्ट 2 मिनट्स ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस में आपको ये दिख जाएगा. एंड आपने शायद अगर यक्षम के बारे में रिसर्च किया हो तो ये लेक के बारे में भी जरूर सुना होगा, देखा होगा. सो गाइस, इस लेक का भी वही खासियत है, यहाँ का जो पानी है ना ये कभी सूखता नहीं है. हाँ हालांकि वाटर लेवल थोड़ा सा घट जाता है विंटर में मगर सूख नहीं जाता है टोटली. एंड एक्चुअली लेक का वॉक अराउंड हम कर नहीं पाएंगे आई थिंक सो, ये ट्राई कर सकते हैं. ना रोड है ही नहीं. चलो गाइस लेक को देखना हुआ एंड अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड की ओर, कॉलोनी की ओर, जहाँ से मतलब आपको एक अलग ही प्रकार का विलेज दिखाई देगा. ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट माउंट कंचनजंगा. वेदर अगर थोड़ा सा और खुलता ना तो और बहुत खूबसूरत दिखाई देना था. सिक्किम के बारे में एक चीज़ तो मानना पड़ेगा भाई, जैसे कि ये गाइस ये फुटपाथ और इतना मतलब मीलों दूर, मतलब सिटी से दूर आप पकड़ लो मतलब सबसे लास्ट विलेज वेस्ट का यही है. एंड यहाँ पे भी आपको ना देखो इतना वेल मेंटेन रखा है ना, हैट्स ऑफ यार. मतलब ये चीज़ ना हमारे वहाँ पे भी चाहिए होता है यार. मतलब देखो आप लोग यार, देखो ये देखो इन माउंटेन रेंज को, ऐसा लग रहा है कि हम ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये कुछ अलग ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है. की नाम हो बंदे हो ना यहाँ यहाँ छोटे 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 यहाँ की नाम हो, नाम क्यों, नाम क्यों? माय नेम इज अवन सिंह. ओ योर नेम इज अवन सिंह, यू नो. हाँ कम हियर. सो गाइस मीट माय टू न्यू फ्रेंड. व्हाट इज योर नेम? Two minutes. And what? Huh? Gumboot. So guys, मेरा दोस्त कह रहा है कि हम गमबूट कितना बड़ा, मतलब वाटर बूट जिसे कहते हैं तो हमारे भाषा में गमबूट बोलते हैं उसे. तो मेरा बूट देखे ये नन्ना सा बच्चा बोल रहा है कितना बड़ा गमबूट पहना हुए हो आपने. तिमी लाउने लाउने लगाऊ न त ल दिम लगाउन सक्दैन लगाउ न यो लैजाऊ न त सानो छ देखो यहाँ पे खच्चर घोड़े मतलब मिक्स होता होगा ये देखो तो ऐसा लग यक्षम मतलब एक अलग सा मतलब आपको यहाँ पे वैली दिखाई देगा, एक छोटा सा विलेज सराउंडेड बाय दी माउंटेन्स रीजन एंड बीच में से समा हुआ ये विलेज बहुत ही खूबसूरत नज़र आता हुआ मुझे तो बहुत पसंद आएगा. इस अगर आपको पीस चाहिए ना, अगर आपको मतलब एक
स्टेबल माइंड होना है। अगर आप बिजी लाइफ जी रहे हो एंड लाइक आपको कुछ इस प्रकार का लोकेशन चाहिए तो दिस इज परफेक्ट। इट्स टाइम टू लीव। चलो बाय 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 बाय, फिर भेट्नु पर्छ ल। गम्बुट नलाने रहेछ हो, भरे आउनु हुन्छ। ल बाई बाई गाइस, नन्नासा बच्चा कह रहा है मतलब बाद में आइए हाँ बोल के इतना प्यारा है ना जब आप कैमरे में मतलब बात कर रहे थे ना, वो देख के बच्चे लोग आए ये दो जन इतना स्वीट कसम से, ये मोमेंट तो हम यहाँ पे मिस करके जाएंगे। कथक लेक इस तरफ एंड यहाँ से हम जाएंगे राइट होते हुए कोरोनेशन की तरफ। ओ आराम सुरैया या, ओ ओ ये देखो जनाब को मतलब काफ़ी एनर्जी है इस पर। टाइम अपडेट इज 8:23 इन द मॉर्निंग। मतलब प्लान तो था यहाँ से 8 बजे को निकलने का, मगर प्लान के मुताबिक हमारा तो कभी होता भी नहीं है एंड लाइक यही सिलसिला रहता है। सो इट्स टाइम टू हैव ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम ले रहे हैं इट्स रोटी, आलू दम या आलू का क्या है मतलब कुछ भी बोलो, एंड साग, राइस साग। तो चलो अब सीन ही होगा ये खा के, यहाँ से अभी निकलने का वक्त आ चुका है। लाइक इट्स टाइम टू लीव फ्रॉम यक्षम। एंड एक बार फिर से मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप यक्षम आते हो तो प्लीज़ डू स्टे ओवर हियर यक्षम पैलेस होम स्टे। एंड अगर आपको बुक करना है तो या डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे हम आपको नंबर दे रहे हैं तो सीधा बुकिंग कर सकते हो। थैंक्स फॉर द विजिट। थैंक यू सो मच। ओके बाय। ऑलराइट गाइस, टाइम अपडेट इट्स 9 इन द मॉर्निंग। प्लान तो था 8 बजे को निकलने का, मगर प्लान के मुताबिक होता है कभी कभार हमारा भी, वो सिर्फ कभी कभार, ठीक है। आज भी हम 1 घंटा लेट, तो बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा यक्षम पर सूर्योदय के चलते। एंड काफ़ी अच्छा होस्ट किया हमें, हॉस्पिटैलिटी बहुत एक नंबर। एंड जिस होम स्टे में हम ठहरे थे वहाँ पे भी आपको एकदम होमली फील होगा, ये नहीं होगा कि भाई हम किसी अनजान लोग के घर बैठे बोल के। इट्स टाइम टू से टाटा गुड बाय टू यक्षम, फिर मिलेंगे चलते चलते। एंड एक ये रहा छोटा सा छुटकू, एंड आपको अच्छा खासा हैवी वाला देखना है तो वो वॉक करके बस 1 मिनट ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस में आपको सीधा सामने नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही। एंड यहाँ पे आप जिप लाइन का भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। पहला फ्यूल अब आज का, इट्स ओनली 8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे तो काफ़ी ठंड लग रहा है मुझे। सो राइट गाइस, टाइम अपडेट इट्स 11:20 इन द मॉर्निंग। एंड यहाँ पे लगभग आधा घंटा हो चुका है हम ऐसे यहाँ पे बैठे हुए, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम पहुँचे ना वैसे मुझे एक कॉल आया। एंड उसके चलते यार मतलब एक अलग सा यहाँ पे ना एनर्जी जो लेवल अभी हाई था वो सारे के सारे नीचे गिर चुका है मेरा एनर्जी। तो पता नहीं क्या होगा आगे, क्यों लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जाना तो वैसे मुझे पहुँचना तो यहाँ से गैंगटॉक है, एंड वहाँ पर जाके कुछ कोशिश करता हूँ मैं आगे की ओर, जो मेरा टूर प्लान जो हमने सेट किया था, क्योंकि जो हमने टूर प्लान सेट किया था वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा है। जैसे हम यहाँ पे पहुँचे ना मुझे बैड न्यूज़ ही होता है, मगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अभी भी फिंगर क्रॉस, क्योंकि अभी भी कंफर्म तो नहीं है मगर फिर भी चांसेस बहुत कम है। तो लेट्स सी, वैसे आज तो पहुँचना है मुझे गैंगटॉक। 40 मिनट लगभग हो चुका है यहाँ पे, एंड इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ही बैड न्यूज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिला अपने राइड को लेकर, बट स्टिल फिंगर क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रेसी बाजार, यहाँ से नीचे की ओर कोई सपोर्ट है नहीं और नदी दिखाई दे रहा है मुझे, और यहाँ से ऊपर बुलडोज दिखाई दे रहा है। ये देखो एक भी सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, हरियाली देखो गजब। संभल कर भाई संभल कर, ये देखो। अच्छा आराम से, मतलब यहाँ पे तो नदी नहीं है, ये है मतलब ये रोड
के बीचों बीच नदी आपको दिखा देगा यहाँ पे। यहाँ पे मतलब अक्सर ये दिखा देते हैं, पिछले साल भी हम आए थे रोड कंडीशन कुछ ऐसा ही था, इस साल भी हम आए कुछ ऐसा ही है। अगर हम ये रोड चूज करेंगे तो शायद हम पहुँचेंगे नामची की ओर। बहुत खूब, ओके ओके ओके, आई एम डन। ओह माय गॉड, खूबसूरत। या ये देखो, एंड यहाँ पे देखो, एंड आगे देखो। वेलकम टू साउथ सिक्किम। ओह माय गॉड, चलो फाइनली साउथ सिक्किम हम एंटर कर चुके हैं, एंड यहाँ से आगे की ओर हम बढ़ेंगे। अभी ये रोड अभी हम जो चूज कर रहे हैं ना, ये सिक्की पोला रोड, ये अप्रॉक्स 20 किलोमीटर के स्ट्रेच है, एंड आपको अप दी हिल थोड़ा सा कर्व नैरो रोड मिलेगा। ओ पूरा रास्ता खा गया था यहाँ पे देखो, यानी ऊपर से बनाया हुआ है। टाइम अपडेट इट्स 1:54 इन द आफ्टरनून। अभी हम यहाँ पे मैगी ब्रेक कर रहे हैं, वैसे राइस खाने का प्लान था मगर नहीं हो पाया इस बार भी। तो चलो अभी हम नामथंग टाउन, नामथंग बाजार से काफ़ी नीचे आप हो जाए लाइक यहाँ पे मैगी, एंड हम ये मैगी एंड ऑमलेट ले रहे हैं, ऑमलेट इन द सेंस ऑमलेट मिक्स है यहाँ पे। इट्स टाइम टू लीव। पानी को यहाँ रख देते भाई, देखने में तो ये गिरेगा जैसा लगता है मगर नहीं गिर रहा है। यहाँ पे हमने अपना मैगी खाई, एंड टाइम अपडेट इट्स 2:27 इन द आफ्टरनून। लगभग आधे घंटे का ब्रेक हुआ हमारा, एंड अब यहाँ से घंटा रह गया, इट्स ओनली 63 किलोमीटर, तो लगभग वही 2 घंटे के करीब लगेंगे और भी, क्योंकि हम आराम से जा रहे हैं, कोई यहाँ पे रश नहीं। काफ़ी घना जंगल है ये, यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना होगा, जैसे कि ये। अब हम आए हैं सुपर एक्सप्रेस हाईवे तो हम नहीं कहूँगा मगर गैंगटॉक सिलीगुड़ी हाईवे। तो डे का दूसरा फ्यूल अप। टाइम अपडेट इट्स 3:36 इन द आफ्टरनून। सो हियर कम्स माय सेकंड टनल, जो कि ये तो भाई रीच रानी पुल, एंड यहाँ से मुझे लेफ्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। गैंगटॉक इट्स ऑन द 5 किलोमीटर, लाचुंग 129, लाचेन 123। अब लाचुंग लाचेन करके भी क्या फ़ायदा, आज तो जाने वाले हैं नहीं हम। वेलकम टू द लैंड ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर। ऑलराइट, ऑर्गेनिक कल्चर सही है। एंड गाड़ी को पार्क करते हैं, यहाँ पे जगह है कि नहीं वो देखना पड़ेगा पहले टू व्हीलर के लिए। मुश्किल है भाई, एक्चुअली गाइस इस वीडियो को लेकर ना मतलब पूरे सिक्किम ट्रिप को लेकर हम आपको एक चीज़ बताने वाले थे इस वीडियो के एंड में, मगर हमने सोचा कि चलो इस मतलब मुद्दे पर ना पर्टिकुलर एक वीडियो बना के दे बोल के, तो उसके चलते हम यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि आप मतलब बीच में हम जैसे पहुँचते मतलब गेजिंग जैसे हमने क्रॉस किया वैसे मुझे बहुत बैड न्यूज़ आया, एंड बैड न्यूज़ ये आया कि भाई नॉर्थ सिक्किम जो कि यहाँ पे भेदभाव कर रहा है, भेदभाव इन द सेंस मतलब स्कूटर को जाने नहीं दे रहे, स्कूटर को छोड़ के बाकी सारे गाड़ी जाने दे रहे, तो ये काफ़ी मतलब अजीब सा लगा मुझे, मुझे तो लगेगा क्योंकि मतलब हम अपने सैनोरिटा को कहाँ होकर नहीं लाया, तो मुझे ये पूरा उम्मीद था कि नॉर्थ सिक्किम का जो पास है ना वो मुझे मिल जाएगा बोल के। एंड मेरा जो भैया था निर्मल भैया, उन्होंने भी काफ़ी मतलब कोशिश किया उसके बावजूद भी नहीं हुआ, तो थैंक यू निर्मल भैया को जो इतने मतलब कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें पास मिल जाए बोल के, मगर पास नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। तो यहाँ पर मेरा ट्रिप ख़त्म हो जाता है सिक्किम का, जर्नी टू सिक्किम विच रिमेंस इनकम्प्लीट। तो फ्यूचर में देखेंगे जब हम जाएंगे, तावड़तर होके जाएंगे, जबरदस्त बन के जाएंगे, हम देखते हैं कौन रोकने वाला है। तो या इस टॉपिक के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं, एंड उसके बाद आपको दूंगा, क्योंकि आने वाले दिन में अगर आप भी मतलब गलती से मिस्टेक करते हो, अपने स्कूटर लेके जाते हो वहाँ पे, एंड आपको अगर पास नहीं मिलता है, आपको पता चलेगा तब कि भाई यहाँ पे तो ऐसा नियम कानून है बोल के। आई नो एज अ राइडर इतना मेहनत करके हम जाएंगे,
एंड बीच में हम मतलब जाके हमें पता चलता है कि पास नहीं मिलने वाला स्कूटर को, तो एक अलग सा धोखा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भेदभाव का काफ़ी कुछ सिलसिला रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो या इसके बारे में हम आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के देंगे। तो चलो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। एंड इफ यू डू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, बाय बाय।